हे गाइस, दिस इज टेना फुटबॉलर। वेलकम बैक टू अ चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बेंगलुरु एफसी एकेडमी और बेंगलुरु एफसी सॉकर स्कूल के बारे में बताने वाला हूँ। ये दोनों ही चीज़ें, एकेडमी और सॉकर स्कूल, दोनों ही बेंगलुरु एफसी जो आईएसएल लेवल का क्लब है उसकी कोलैबोरेशन में ये दोनों चीज़ें चलती हैं। जी हाँ, उसी की कोलैबोरेशन में ये एकेडमी और बेंगलुरु एफसी सॉकर स्कूल दोनों ही चलते हैं। तो एक एक करके मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही क्लब्स के वीडियो, ऐसे ही फुटबॉल की एकेडमीज और उनके ट्रायल की वीडियो डालता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बेंगलुरु एफसी एकेडमी के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये इसकी लोकेशन JSW टाउनशिप, विजयनगर, बेलारी, कर्नाटका में है। जी हाँ, कर्नाटका में है। ये एकेडमी अंडर 16 से लेके अंडर 18 तक के एज ग्रुप के प्लेयर को ही सेलेक्ट करती है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, एज क्राइटेरिया अंडर 16 से अंडर 18 तक के ग्रुप के प्लेयर को ही ये लोग अपने क्लब में ट्रेनिंग करते हैं, अपनी एकेडमी में ट्रेन करते हैं। ये एकेडमी टू स्टार रेटिंग AFC के द्वारा, जी हाँ, AFC जो अपना एशिया का जो फुटबॉल फेडरेशन है वो AFC कहलाता है, उसके द्वारा इस एकेडमी को 2-स्टार रेटिंग मिली हुई है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एकेडमी के लिए, तो आप जान ही सकते हैं कितनी अच्छी एकेडमी है। देखिए, ये एकेडमी रेजिडेंशियल एकेडमी है। जी हाँ, रेजिडेंशियल है, मतलब आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको वहाँ रहने की सुविधा ज़रूर मिलेगी। इसकी कुछ फैसिलिटी के बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल मतलब रहने का एकोमोडेशन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको एजुकेशन, हाई लेवल की एजुकेशन रहेगी, गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन आपके लिए रहेगा, रहने की व्यवस्था रहेगी, और हाई प्रोफाइल हाई टेक ट्रेनिंग मिलेगी। मतलब फॉरेनर के कोच भी रहेंगे, इंडियन कोच भी रहेंगे आपको ट्रेन करने के लिए। आपको हर तरीके से यहाँ पे सुविधाएं मिलेगी, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, एडवांस आपको ग्राउंड मिलेंगे, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको इस एकेडमी में मिलेगी। जो प्लेयर इस एकेडमी में सेलेक्ट होते हैं उन प्लेयर को लगभग 2 साल तक के लिए वो लोग ट्रेन करते हैं, 2 साल तक वो लोग ट्रेन करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अच्छा खेलते हैं तो आप यहाँ से इसकी बी टीम या फिर बेंगलुरु एफसी की रिजर्व टीम या फिर बेंगलुरु एफसी की जो सीनियर टीम है, सबसे सीनियर टीम आईएसएल लेवल की टीम ही कहलाती है, तो बेंगलुरु एफसी की सीनियर टीम में भी आप जा सकते हैं। कई प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर इस एकेडमी से निकले हुए, जैसे कालविन अभिषेक, प्रशांत कलिंगा इसी एकेडमी में खेले हैं, फिर आगे जाके उन्होंने बेंगलुरु एफसी की सीनियर टीम को रिप्रेजेंट किया है। तो आप इस एकेडमी को ज्वाइन कर यहां से अच्छा खेल के, यहां अच्छा परफॉर्म करके आप अपनी करियर को बूस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इसके फीस और इसके ट्रायल के बारे में जानते हैं। देखिए, ये 100% स्कॉलरशिप पर ये एकेडमी चलती है। जी हाँ, 100% स्कॉलरशिप पर, मतलब अगर आप ट्रायल में इसके सेलेक्ट होते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप पर ही इसको इसमें ट्रेनिंग मिलने करने का मौका मिलेगा। अब इसके ट्रायल के बारे में देखते हैं। देखिए, ये 2016 में फॉर्म हुई थी ये एकेडमी। इसका पर्पस ही मेन था कि ऐसे प्लेयर को निकालना, ऐसे इमर्जिंग प्लेयर को ट्रेन करना जो आगे चल के हमारी टीम को यानी बेंगलुरु एफसी को रिप्रेजेंट करे और इंडिया के लिए अच्छा कर सके, ऐसे प्लेयर को ट्रेन करना। तो 2016 में भी इनका एक ट्रायल निकला था, वो भी अंडर 16 के प्लेयर्स के लिए निकला था। उसके बाद 2020 में भी इनका ट्रायल आया हुआ था। फिर उसके बाद रिसेंटली अभी एक TSS मतलब द स्पोर्ट्स स्कूल करके एक फुटबॉल नेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021-2022 करके एक प्रोग्राम चला था, जिसके तहत इसमें 5 स्पोर्ट्स को लिया गया था, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बास्केटबॉल, ऐसे 5 स्पोर्ट्स को लिया गया था, लेकिन मेनली फोकस फुटबॉल पे किया गया था। इसके तहत इस ट्रायल में जो प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, जो प्लेयर को ट्रायल दिया था, उनको मौका था कि बेंगलुरु एफसी के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाए। मतलब इस ट्रायल में अगर आप निकलते तो डेफिनेटली बेंगलुरु एफसी के द्वारा आप ट्रेनिंग करते। तो ये रिसेंट अभी निकला था, ये सितंबर तक ये ट्रायल चला था, तो यहाँ के प्लेयर अभी जाके अब बेंगलुरु एफसी से ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब जानते हैं कि ये कौन कौन से टूर्नामेंट में ये एकेडमी खेलती है। देखिए, हीरो जूनियर लीग में ये टीम खेलती है, हीरो सब जूनियर में खेलती है, और आई लीग सेकेंड डिवीज़न, जी या थर्ड बिगेस्ट लीग है अपने इंडिया की, उसमें भी ये एकेडमी खेलती है। तो जान ही सकते हैं कितनी अच्छी एकेडमी है।
वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है ये इंडिया में, मतलब लगभग टॉप 5 में एकेडमी है अपने इंडिया की ये। अब इसके बाद मैं आपको बेंगलुरु एफसी सॉकर स्कूल के बारे में बताता हूँ। देखिए पहले, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये एक नॉन रेजिडेंशियल, मतलब आपको यहाँ रहने रहने की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये इंडिया की 5 सिटीज़ में है, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, मंगलुरु, स्पॉथोन, जी हम 5 सिटीज़ में है। बेंगलोर में ही इसके 13 सेंटर हैं, तो आप अगर जहाँ पे भी आपको पास पड़े तो वहाँ से आप इस सॉकर स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो एज क्राइटेरिया रहता है वो 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को ही ये सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं, मैं रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं जाके आपको जैसी सुविधा लगे। ये लगभग 3 प्रोग्राम चलाते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, तो उसी के हिसाब से ये लोग चार्ज भी करते हैं। जैसे 1 महीने का ये लोग 3,000 और 3 महीने का 7,100 और 6 महीने का लगभग 13,500 रुपये चार्ज करते हैं। तो बहुत ही अच्छी एकेडमी है, इससे भी आप सॉकर स्कूल्स से सीख के आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं, हाई लेवल तक ले जा सकते हैं, बी टीम में जा सकते हैं, फिर बेंगलुरु की रिजर्व टीम में, फिर उसके बाद सीनियर लेवल की टीम में। तो ये दोनों ही चीज़ें, सॉकर स्कूल और ये एकेडमी बेंगलुरु एफसी एकेडमी, दोनों ही बेंगलुरु एफसी की कोलैबोरेशन में चलती है। तो आपको डेफिनेटली ये सोच के ही चलना चाहिए कि अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप एक ISL लेवल के क्लब तक पहुँच सकते हैं इन दोनों के द्वारा, चाहे वो एकेडमी हो चाहे वो सॉकर स्कूल हो। इस सॉकर स्कूल का कोई ट्रायल रायल लगभग नहीं निकलता है, आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोग तो ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलाए करते थे, अभी कोविड पेंडेमिक के टाइम पे ऑनलाइन इनके प्रोग्राम भी चले थे, काफ़ी प्रोग्राम चले थे, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस एज में फिट बैठते हैं तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इनका आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि, और बेंगलुरु एफसी की वेबसाइट से निकाली हुई है, तो डेफिनेटली सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही है। आप अगर ट्रायल निकलते, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। रिसेंट अभी उनकी वेबसाइट में बताया जा रहा है कि ट्रायल कमिंग सून है, देखते हैं कब तक आते हैं ट्रायल, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा एकेडमी के जब भी ट्रायल निकलेंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं उसी में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस, होप आप को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्रिपेयर करते जाइए इसके ट्रायल के लिए, और जब भी निकले मैं तो कहूँगा खूब आप डेफिनेटली अप्लाई करिए और इसके ट्रायल में ज़रूर जाइए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।